बदायूं में दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या करने वाले साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही है। इस बीच बच्चों की हत्या करने वाले हत्यारे साजिद के एनकाउंटर पर मां का क्या कुछ बयान सामने आया है, आपको वो भी सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि साजिद के एनकाउंटर पर उसकी मां नाजीनन ने कहा कि उसके साथ जो हुआ वो एकदम ठीक हुआ, ना वो कोई गलत काम करते और ना ही उनके साथ ऐसा होता। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं है। बताते चले कि बदायूं में मंगलवार की शाम को सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद ने सामने घर में रहने वाले विनोद और संगीता के दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाराज लोगों ने उनकी दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत करवाया और इस हत्याकांड के एक आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है।